morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K. Sisoni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of entomology, I am going to deliver my talk on types of metamorphosis. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, एंटोमोलॉजी की आज की व्याख्यान माले की श्रृंखला में इंसेक्ट में होने वाले मेटामॉर्फोसिस यानी कायंत्रण, उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट. अब मेटामॉर्फोसिस शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है. द टर्म मेटामॉर्फोसिस इज डेराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक लैंग्वेज, और ग्रीक लैंग्वेज में इसका अर्थ होता है कि मेटा मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, मॉर्फ मीन्स बॉडी की कोई स्ट्रक्चर. तो बॉडी की कोई स्ट्रक्चर है उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसको जनरली मेटामॉर्फोसिस के नाम से जाना जाता है. अब इकोलॉजिकली यदि देखें, इकोलॉजिकली इसकी डेफिनेशन अलग तरह की होगी. फिजियोलॉजिकली देखें तो इसकी डेफिनेशन अलग तरह की होगी. इकोलॉजिकली यदि इस मेटामॉर्फोस को अपन डिफाइन करें तो इकोलॉजिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि लार्वा में पाई जाने वाली जो अडेप्टिव स्ट्रक्चर्स है उनका नष्ट हो जाना, यानी लॉस ऑफ अडेप्टिव स्ट्रक्चर्स इन एन लार्वा आफ्टर विच इट कन्वर्ट इंटू एन अडल्ट फॉर्म. और फिजियोलॉजिकली यदि देखें तो लार्वा के अंदर फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो अलग तरह का है, अडल्ट में फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो अलग तरह का है. और फिजियोलॉजिकली मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, और मेनली इसमें दो हार्मोन होते हैं. एक तो जुवेनाइल हार्मोन है इसमें, जो तो ये चाहता है कि लार्वा है वो लार्वा स्टेज में ही बना रहे, और दूसरा मॉल्टिंग हार्मोन है, उसकी ये कोशिश रहती है कि लार्वा में जल्दी से जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो और वो प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हों, प्यूपा फिर अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हों. तो सिंपली और इसको डिफाइन करें तो लार्वा का प्यूपा में होने वाला रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस. अब इंसेक्ट के अंडे पॉलीलेस्टल होते हैं, ये पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया. और इंसेक्ट के जो अंडे होते हैं उस पर कॉरियन का एक आवरण होता है, काइटिन का एक आवरण होता है, और काइटिन है वो बहुत ही हार्ड आवरण है. अब ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद में इस अंडे के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अंडे में जो लार्वल स्टेजेस बनेगी वो लार्वल स्टेजेस इस अंडे के कवच को तोड़कर बाहर निकलेगी. ये बहुत ही एक टिपिकल काम है, क्योंकि काइटिन युक्त जो कोरियन है वो एक हार्ड कवरिंग है. तो लार्वा का अंडे से बाहर निकलना, इस घटना को बोलते हैं हैचिंग, निर्मोचन, या इक्लॉजन के नाम से भी एक टर्म है, इक्लॉजन भी इसके लिए शब्द यूज किया जाता है. तो अलग अलग इंसेक्ट्स में हैचिंग का जो प्रोसेस होता है या एक्लोजन का जो प्रोसेस होता है ये तीन विधियों के द्वारा संपादित होता है, जिसमें पहली मेथड है बाई स्वेलोविंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, सेकेंड मैकेनिज्म में होती है बाई हैचिंग स्पाइन, और तीसरी मैकेनिज्म में होती है बाई सर्वाइकल एम्पुली. अब पहला जो प्रोसेस है बाई स्वेलोविंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इस केस में क्या हुआ कि इन इंसेक्ट में एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो लार्वा निकल जाता है और एमनियोटिक कैविटी के अंदर हवा भर जाती है, और हवा भरने से इनके कॉरियन के अंदर रप्चर लाइन होती है एंटीरियर पार्ट में, वो रप्चर लाइन जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, टूटती है, और कॉरियन के टूटने के बाद में ये लार्वा जो होता है ये बाहर इमर्ज होके आ जाता है. तो लार्वा का अंडे से बाहर निकलना ये घटना कहलाती है एक्लोजन या हैचिंग, और ये जो प्रक्रिया है ये लेपिडोप्टेरा के लार्वों में प्राय देखने को मिलती है. तो लेपिडेरा के सदस्यों में बटरफ्लाइज हैं, मौथ हैं, और ये एमनियोटिक फ्लूइड को निगल के, एमनियोटिक फ्लूइड को ये खुद खा जाते हैं एज ए फीडिंग मटेरियल के रूप में. और एमनियोटिक फ्लूइड जब हो गया तो उस एमनियोटिक कैविटी के अंदर हवा भर जाती है,
और हवा बढ़ने से एक तरह का प्रेशर जो होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो डेवलप होता है और उस प्रेशर के कारण ये कॉरियन रप्चर होती है और लार्वा अंडे के बाहर आ जाता है। सेकंड जो मैकेनिज्म है बाई हैचिंग स्पाइन है। अब हैचिंग स्पाइन में क्या होगा, कुछ लार्वा जो होते हैं उनके बॉडी के एंटीरियर पार्ट में पॉइंटेड नुकीले कांटे जैसी रचनाएं पाई जाती है जो कि काइटिन की बनी होती है। अब ये हैचिंग स्पाइन जो होता है ये अंडे के कवच पे बार बार ये नोक करता है, है जिस तरह आपके पास मान लीजिए कोई मुर्गी का अंडा हो और उस पर आप नुकीली सुई है या कोई पॉइंटेड कोई स्पाइन है उसको आप जैसे धीरे धीरे जैसे आप टच करो तो इस अंडे के अंदर पंक्चर हो जाता है, अंडे के अंदर हल्का सा छेद है वो डेवलप हो जाता है। तो ये लार्वा जो होते हैं ये अंडे के कवच पर भीतर की तरफ से इस हैचिंग स्पाइन के द्वारा यूँ बार बार वार करते हैं, बार बार उसको पिंच करते हैं और इस हैचिंग स्पाइन के कारण क्या होगा, अंडे का कवच जो होता है वो पंक्चर हो जाता है और इस पंक्चर के द्वारा फिर लार्वा ये धीरे धीरे कर इमर्ज करके बाहर आ जाता है। और हैचिंग स्पाइन द्वारा एक्लोजन की जो घटना है ये न्यूरोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है, डिप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है, कोलियोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है और मेलोफेगा के अंदर पाई जाती है। तीसरी जो मैकेनिज्म है ये है सर्वाइकल एम्पुली है। एम्पुली क्या होती है, ये एक खोखली रचना है, एक तरह की हॉलो ग्रोथ है, एक तरह की खोखली रचना है लेकिन ब्लाइंड कैनाल के रूप में होती है और इस एम्पुली के अंदर हीमोलिफ जो होता है वो भरा रहता है, यानी एक तरह का फ्लूड इंसेक्ट का जो ब्लड है वो इसके अंदर भरा रहता है। अब किसी भी खोखली रचना में जब कोई फ्लूड जब भर जाता है तो वो रचना एक तरह से हाइड्रोस्केलेटन के रूप में, जल स्थैतिक कंकाल के रूप में वो कार्य करती है और इस सर्वाइकल एम्पुली के कारण ये हीमोलिम्फ के फ्लूड के प्रेशर के कारण ये रचना एक स्टिक की तरह काम करेगी और इस एम्पुली के लगातार वार करने से, लगातार कॉरियन आवरण को बार बार टिक करने से क्या होगा, कॉरियन रप्चर हो जाती है और लार्वा जो होता है वो अंडे के बाहर निकल जाता है। और ये जो घटना है ये ऑर्थोप्टेरा के सदस्यों में मेनली पाई जाती है जिसमें क्रिकेट है, जैसे कॉकरोच है, ये प्रेइंग मेंटिस है, तो ऑर्थोप्टेरा के सदस्यों में ये परिघटना एक्लोजन की पाई जाती है। तो एक्लोजन तीन विधियों के द्वारा इंसेक्ट में संपादित होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के निगलने के द्वारा, हैचिंग स्पाइन के द्वारा और सर्वाइकल एम्पुली के द्वारा। अब अंडे से ये लार्वा जो आ गए, अब ये लार्वा क्या होंगे, प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं, प्यूपा फिर अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। कुछ इंसेक्ट में चारों स्टेजेस पाई जाती है, उसके अंदर अंडे भी है यानी फर्टिलाइज जायगोट, उसके बाद लार्वा बनते हैं, प्यूपा बनते हैं, अडल्ट बनते हैं, उसके अंदर इनकम्प्लीट टाइप का मेटामॉर्फोसिस होता है, उसके अंदर लार्वल और प्यूपल स्टेजेस हैं वो बनती भी नहीं है। तो डेवलपमेंट के दौरान कौन कौन सी स्टेजेस बनती है उसकी बेसिस पे इस मेटामॉर्फोसिस को चार मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट मेटामॉर्फिस मॉर्फोसिस इज डिवाइडेड इनटू फोर बेसिक टाइप्स। फर्स्ट टाइप है इसमें ए मेटाबोला, सेकेंड टाइप इज मेटाबोला, थर्ड टाइप इज होमो मेटाबोला और चौथी टाइप है इसमें हाइपर मेटाबोला। तो चार बेसिक टाइप का मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, ए मेटाबोला टाइप का, मेटाबोला टाइप का, होमो मेटाबोला टाइप का और हाइपर मेटाबोला टाइप का। इन चारों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ विथ एग्जांपल। फर्स्ट टाइप इज ए मेटाबोला। अब इसमें नाम से स्पष्ट है, ए मीन्स एब्सेंट, यानी इस तरह का जो कायंत्रण होगा उसमें एक्चुअल जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो एब्सेंट है, यानी इसमें कोई लार्वल स्टेजेस नहीं बनेगी, कोई प्यूपा स्टेजेस नहीं बनेगी, केवल इमेच्योर जो स्टेजेस होती है वो अंडे से जस्ट बाहर निकलती है आफ्टर एक्लोजन। तो ए मेटाबोला मीन्स एब्सेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो इस तरह का जो कायंत्रण होगा उसके सेलियंट फीचर्स क्या होंगे, इसके अंदर नो मेटामॉर्फोसिस, यानी कायंत्रण इसमें नहीं होता है, एग हैच आफ्टर लेट और इन बॉडी ऑफ मदर, अंडे से इमेच्योर जो स्टेजेस हैं वो बाहर निकलती है और कई बार
ये जो अंडे हैं ये मदर के बॉडी के अंदर ही हैच हो जाते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन है यहाँ पर, एग लेइंग के बाद में भी इनमें हैचिंग हो सकती है और कई बार मदर के बॉडी में ही इमेच्योर एम्ब्रियो जो होते हैं वो अंडे से बाहर निकल जाते हैं। यंग लुक्स लाइक द अडल्ट। अब इसमें जो अंडे से जो एम्ब्रियो निकल रहे हैं या अंडे से जो इमेच्योर स्टेज निकल रही है वो दिखने में अडल्ट की जैसी है। जब तक एक्सपर्टेशन नहीं हो टैक्सोनॉमी का, एंटोमोलॉजी का, तब तक एक साधारण आदमी है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि इसमें इमेच्योर स्टेज कौन सी है, अडल्ट स्टेज कौन सी है। तो यहाँ पर इमेच्योर और मैच्योर, इमेच्योर और अडल्ट दोनों दिखने में एक समान है, केवल फर्क क्या होगा इसमें, साइज। इमेच्योर जो है वो आकार में छोटे होते हैं, कलर इनका हल्का होता है, और आर्मेचर यानी बॉडी के जो स्टाउट स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी के जो क्यूटिकुलराइज जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उसके अंदर कम विकसित होती है। जैसे अपने किताबों के अंदर सिल्वर फिश आपने देखी होगी, लेपिस्मा। अब लेपिस्मा के आप एम्ब्रियोनिक स्टेज को देखो, लेपिस्मा अडल्ट को आप देखो, केवल साइज का डिफरेंस मिलेगा। लेपिस्मा की जो इमेच्योर स्टेज हैं वो आकार में छोटी हैं और अडल्ट जो होते हैं वो थोड़े आकार में बड़े होते हैं। बाकी दोनों की शेप और जो आकार और आकृति है उसमें टांगे हैं, एंटीना की स्ट्रक्चर्स हैं वो लगभग सेम होती है, इसलिए इसको ए मेटाबोला का नाम दिया है। और ये जो इंसेक्ट होते हैं ये कई बार मोल्ट हो सकते हैं, दे मोल्ट मैनी टाइम्स, क्योंकि इमेच्योर स्टेज कई हो सकती है, लेकिन उनको लार्वा और प्यूपा प्रावस्थाओं का नाम नहीं दिया जाता है। और इस तरह की जो कंडीशंस हैं ये एटेरिकोटा में पाई जाती है, यानी विंगलेस इंसेक्ट में। ए मीन्स एब्सेंट, टेरिकोटा यानी विंग एब्सेंट। तो जिन इंसेक्ट में पंख अनुपस्थित होते हैं उनके अंदर इस तरह का मेटामोरफोसिस पाई जाता है। इसके अलावा साइपनक्यूलेटा के सदस्यों में ये परिघटना पाई जाती है और एम्बियोप्टेरा के सदस्यों में ये परिघटना पाई जाती है। तो ये पहली बेसिक टाइप है ए मेटाबोला। ए मीन्स एब्सेंट यानी मेटामोरफोसिस एब्सेंट है, और इमेच्योर और अडल्ट दोनों में दिखने में लगभग एक समान है, केवल आकार आकृति और कलर का जो है वो इसके अंदर डिफरेंस होता है। और एटेरिगोटा के अंदर, साइपनक्यूलेटा के अंदर, एम्बियोप्टेरा के अंदर ये परिघटना पाई जाती है। अब सेकेंड टाइप जो है दैट इज मेटाबोला। इस तरह के जो इंसेक्ट होंगे इनके अंदर कायंत्रण की स्टेजेस है वो देखी जाती है। और मेटाबोला जो है ये भी दो टाइप का है, एक तो पोरो मेटाबोला, इसको जनरल मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं, और सेकेंड सब टाइप में हैमी मेटाबोला, हैमी मीन्स हाफ, इसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। अब यहाँ पर पहली जो टाइप है पोरो मेटाबोला, इसको जनरल मेटामॉर्फोसिस के नाम से, सामान्य कायंत्रण के नाम से भी जाना जाता है। इस मेटामॉर्फोसिस के जो मुख्य लक्षण हैं उसमें सिंपल ग्रेजुअल चेंजेस, जब कायंत्रण होगा तो सामान्य रूप से क्रमिक परिवर्तन इसके अंदर होते रहते हैं डेवलपिंग स्टेजेस के अंदर। न्यूली हैच इज कॉल्ड एज निम्फ। अंडे से जो नवजात जो रचना निकल रही है, जो इमेच्योर स्टेज जो इमर्ज होके आ रही है, उसको यहाँ पर लार्वा का नाम नहीं दिया है, उसको यहाँ पर निम्फ का नाम दिया है। और ये निम्फ जो होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं और अडल्ट के समान होते हैं, केवल साइज और कलर में डिफरेंस होता है। तो इनकी जो अंडे से निकलने वाली जो इमेच्योर स्टेजेस हैं दे लुक्स लाइक एन अडल्ट, लेकिन इनका आकार छोटा होगा, इनका कलर है वो थोड़ा हल्का होगा, और इसके अंदर पंख जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि पंखों का डेवलपमेंट है वो तो बाद में होता है, और जेनिटल ऑर्गेन इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, और ये भी कई बार मोल्टिंग होती है इसमें, यानी एक निम्फ दूसरे निम्फ में बदला, दूसरा निम्फ तीसरे निम्फ में बदला। तो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर चलता रहता है, और जो जो मेटामॉर्फोसिस होता है तो मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या होगा, ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन होता है। ग्रोथ होती है तो लार्वा की ग्रोथ होगी, उसके बाद वो पुरानी क्यूटिकल हटेगी, फिर ग्रोथ होगी, फिर पुरानी क्यूटिकल हटेगी, फिर ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर ग्रोथ मोल्टिंग, ग्रोथ मोल्टिंग, ग्रोथ मोल्टिंग, ये प्रोसेस बार बार क्रमिक रूप से इसके अंदर चलते रहते हैं जब तक अडल्ट इंसेक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो जाती है। और ये जैसे इसके ग्राफिक साइकिल मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है,
एडल्ट से जैसे एग लेइंग होगी, अंडे दिए जाएंगे, इन अंडों का फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस अंडे के अंदर हो रहा है और इस अंडे से फिर निम्फ जो स्टेज होती है ये निकलती है। ये निम्फ जो होती हैं अर्ली निम्फ हैं, ये फिर लेटर निम्फ के अंदर कन्वर्ट होते हैं, यानी एक निम्फ दूसरे निम्फ में कन्वर्ट होता है और अंतिम जो निम्फ होता है ये फिर मेटामॉर्फिस होकर अडल्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके परिवर्तन के अंदर स्टेजेस कौन सी होगी, अडल्ट, एग, अर्ली निम्फ, लेटर निम्फ, फिर अडल्ट। तो इस तरह की ये साइक्लिक परिघटना इन इंसेक्ट में देखने को मिलेगी। और इसके जो बेस्ट एग्जांपल हैं जो जनरल पर्पज़ के ऑर्थोप्टेरा में, जैसे ग्रास होपर, इसके अंदर ये परिघटना पाई जाती है। आइसोप्टेरा में दीमक जो होती है वाइट आंट, इसके अंदर ये परिघटना पाई जाती है। डर्मेप्टेरा में ईयर विग यानी फॉर्फिकुला, कुत्ते के कानों में जो बुग होती है ईयर विग, उसके अंदर ये परिघटना पाई जाती है। और हेमिप्टेरा, इसके अंदर जो एफिड्स जो होते हैं, तेलिया इसको बोलते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में, तो एफिड्स के अंदर इस तरह की परिघटना पाई जाती है। क्योंकि बायोलॉजी और एफिड ये भी आपके कोर्स में है, उस पर भी एक अलग से मैं व्याख्यान आपके लिए बनाऊंगा, लाइफ साइकिल ऑफ एफिड्स, और इसमें आप देखोगे एफिड्स की कई इमेच्योर स्टेजेज हैं वो इसके अंदर बनती है, सबके अलग अलग नाम हैं, सबके अलग अलग फीचर्स हैं। तो ये मेटाबोले की फर्स्ट टाइप, पोरो मेटाबोला या जनरल मेटामॉर्फोसिस। इसकी सेकंड सब टाइप है हेमी मेटाबोला, हेमी मीन्स हाफ, इसलिए इसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का नाम दिया है, अपूर्ण कायंत्रण का नाम दिया है। और इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस होता है इसके अंदर इमेच्योर स्टेजेज जो होती है ये जनरली जलीय प्रकार की होती है। इमेच्योर स्टेजेस आर जनरली एक्वेटिक इन नेचर, और इन एक्वेटिक नेचर की जो स्टेज होती है, एम्ब्रियो जो होते हैं, इनको नियाड के नाम से जाना जाता है, नियाड के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस के रूप में इसको पूछते हैं। दे ब्रीथ बाई गिल्स, इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। और मेटामॉर्फोसिस बाद में जो अडल्ट बनेंगे उन अडल्ट के अंदर रेस्पिरेशन ट्रेकिया के द्वारा होता है, अडल्ट रेस्पायर बाई ट्रेकिया। अब यहाँ पर जो इमेच्योर स्टेज जो है नियाड, ये अडल्ट में दिखने के समान ही है, दे रिजेंबल्स विथ अडल्ट, लेकिन इनका आकार छोटा होगा, इनका कलर हल्का होगा, सेक्सुअली ये डेवलप नहीं होते हैं, बॉडी इनकी इतनी रोबस्ट नहीं होती है, और काइटिन युक्त जो रचनाएँ होती है वो यहाँ पर पुअरली डेवलप्ड है। और दे डू नॉट रिजेंबल टू निम्फ, अब यहाँ पर जो नियाड है इनको निम्फ के समान रचनाओं के रूप में अपन नहीं मान सकते हैं, लार्वा के रूप में इनको नहीं मान सकते हैं। और इनकी लाइफ साइकिल में आप देख रहे हो, ग्रेफिस साइकिल में अडल्ट से एगलिंग होगी, इन अंडों का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइज होने के बाद में डेवलपमेंट इस जायगोट के अंदर स्टार्ट हो जाता है, और इसके अंडे के कवच से टूटने से ये नियाड नामक रचनाएँ निकलेगी जो जलीय प्रकृति की होती है, एक्वेटिक नेचर की होती है। और ये नियाड जो होते हैं ये फिर एडवांस नियाड स्टेज के अंदर डेवलप होते हैं, और ये लेटर जो नियाड होते हैं ये लास्ट में फाइनल मेटामॉर्फोसिस के द्वारा ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस तरह की जो फिनोमिनन है ये मुख्य रूप से पाई जाती है ऑर्डोनेटा के सदस्यों में, जैसे ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई अपने यहाँ काफ़ी लाखों की संख्या में प्रजेंट हैं, कई वेराइटीज़ की यहाँ पर पाई जाती है, इसको गांव में हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं, बधाउड़ा भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जब रेनी सीजन होता है, बरसात आ रही होती है, तो ये बादलों के आगे आगे चलते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि ये रेनफॉल का संदेश लेके आ रहे हैं, बधाई संदेश लेके आ रहे हैं, इसलिए इसको बधाउड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और इन इंसेक्ट पर काफ़ी लोकगीत भी बने, तो इथनो एंटोमोलॉजी का रिसर्च वर्क है वो लोकगीतों के अंदर समाहित है, लोकगीतों पे पूरा एक रिसर्च वर्क, पूरा एक पीएचडी वर्क हो सकता है। एफिमिरोप्टेरा, इसके अंदर मेफ्लाई है, मेफ्लाई में ये परिघटना पाई जाती है। और प्लीकोप्टेरा, इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टोन फ्लाई, उसके अंदर ये परिघटना पाई जाती है। तो यहाँ पर मेटाबोला टाइप का जो मेटामॉर्फोसिस है ये दो प्रकार का हो गया, पोरो मेटाबोला या सामान्य कायंत्रण, और हेमी मेटाबोला या अपूर्ण कायंत्रण या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब तीसरी टाइप है इसकी होमो मेटाबोला,
होमो मीन्स कंप्लीट। इसके अंदर परिवर्धन की जितनी भी स्टेजेस होती है वो सारी स्टेजेस इसके अंदर देखने को मिलेगी। और इसके अंदर लार्वा जो होते हैं वो अडल्ट से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, लार्वा मस्ट डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। और इसके जो लार्वा जो होते हैं ये दिखने में केंचुए के समान होते हैं, वॉर्म लाइक, इनमें टांगे छोटी होती है। लार्वा लुक्स लाइक वॉर्म विथ शॉर्ट लेग्स। और इसके अंदर कंपाउंड आई एब्सेंट होती है, इनके अंदर पंख एब्सेंट होते हैं, माउथ पार्ट्स इसके चबाने वाले होते हैं, माउथ पार्ट्स चीविंग टाइप। और इसकी जो फीडिंग डाइट जो होती है वो वेरीज करती है, हालांकि इसके जो मुखांग हैं वो काटने वाले चबाने वाले हैं, लेकिन इनकी फीडिंग डाइट जो होती है वो वेरिएबल प्रकार की है। और ये कई बार इसके अंदर मोल्टिंग होगी, कई बार निर्मोचन होगा। प्यूपा इज द रेस्टिंग स्टेज, क्यों लार्वा के अंदर मेटामॉर्फ हो गया, एक लार्वा दूसरे लार्वा में कन्वर्ट हुआ है, तो फीडिंग स्टेज जो होती है वो लार्वल स्टेज होती है, काफ़ी एक्टिव होती है। और प्यूपा है वो एक तरह की रेस्टिंग फेज है, क्यों लार्वा जब प्यूपा में कन्वर्ट होता है तो लार्वा अपने चारों तरफ प्यूपेरियम नामक आवरण बना लेता है, कवच बना लेता है और अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर लेता है। इस प्यूपेरियम के अंदर इसका फिर डेवलपमेंट होता है, जितनी भी इमेजिनल डिस्क होती हैं वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गेन्स को प्रोड्यूस करती है, कंपाउंड आई बनती है, एंटीना बनती है, माउथ पार्ट्स बनते हैं, टांगे बनती है, जेनाइटेलिया बनते हैं, बॉडी के सारे सिस्टम्स बनते हैं। और पूरा जब डेवलपमेंट हो जाता है तभी अंडे के कवच को तोड़कर ये बाहर निकलते हैं, जो परिघटना एक्लोजन या हैचिंग के नाम से जानी जाती है। एंड लार्वा इज सराउंडेड बाई प्यूपेरियम, लार्वा है वो प्यूपेरियम के द्वारा सुरक्षित रहता है, प्यूपेरियम नामक आवरण के द्वारा वो ढका हुआ रहता है। और इसकी ग्राफिक साइकिल में आप देख रहे हो, अडल्ट में एगलिंग होगी, इन अंडों का फर्टिलाइजेशन होगा, उससे जायगोट बनेगा, इस जायगोट के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, उससे लार्वा बनेगा। लार्वा स्टेज कई हो सकती है, इनको L1, L2, L3 ऐसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लार्वा फिर अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेता है जिसको प्यूपेरियम बोलते हैं। इस प्यूपेरियम का सिक्रेशन इस लार्वा की ग्रंथियाँ ही करती है, जैसे सिल्क मोथ है बॉम्बिक्स मोराई, अब बॉम्बिक्स मोराई में उसका जो कवच है वो रेशम के धागे से है, वो चारों तरफ से ढका हुआ है, तो रेशम की जो प्राप्ति होती है वो प्यूपेरियम से ही होती है। और ये लार्वा फिर प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं, प्यूपा फिर फुली डेवलप्ड होने के बाद में ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप डेवलपमेंट देख रहे हो, सारी स्टेजेस है, अडल्ट है, एग है, लार्वा है, प्यूपा है, अडल्ट है, तो डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस इसके अंदर देखने को मिलती है। इसलिए इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या होमो मेटाबोला के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बेस्ट जो एग्जांपल है डिप्टेरा में, जैसे हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी जो होती है अपने, उसके अंदर इस तरह का कायंत्रण पाया जाएगा। लेपिडोप्टेरा में बटरफ्लाइज के अंदर, तितलियों के अंदर इस तरह की परिघटना पाई जाती है। कोलियोप्टेरा में बीटल्स जो होती है उसके अंदर ये परिघटना पाई जाती है। और हाइमनोप्टेरा में मधुमक्खी के सदस्यों में, हनी बी जो होती है उसके अंदर ये परिघटना पाई जाती है। तो यहाँ पर डिप्टेरा के अंदर, लेपिडोप्टेरा के अंदर, कोलियोप्टेरा के अंदर, हाइमनोप्टेरा के अंदर, इन सब के अंदर कंप्लीट टाइप का मेटामॉर्फोसिस है। और लास्ट टाइप है, दैट इज हाइपर मेटाबोला। अब यहाँ पर हाइपर शब्द आ रहा है, हाइपर मीन्स अधिकतम है, जैसे हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो हाइपर मीन्स सुपर न्यूमरेरी। और इस तरह का जो कायंत्रण होता है इसके अंदर लार्वल स्टेजेस दो या दो से ज़्यादा होती है, लार्वल स्टेजेस टू और मोर, इट इज़ ए टाइप ऑफ हाइपर मेटामॉर्फोसिस। फर्स्ट जो लार्वा होता है इसमें वो कंपोडिफॉर्म टाइप का होता है, इट सर्च इट्स फूड, ये लार्वा अपना भोजन खुद तलाश करता है। और मोर कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट, इस तरह का जो कायंत्रण है काफ़ी टिपिकल है, काफ़ी डिफिकल्ट है, और इसके अंदर इमेच्योर स्टेजेज जो होती है वो कई मिलती है। और इसके ग्राफिक साइकिल में आप देख रहे हो, अंडे से एग लेइंग हुई, इस अंडे का फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा,
इस जायगोट के अंदर डेवलपमेंट होगा, उसमें पहला लार्वा बनेगा। अब इस पहले लार्वा के अंदर फिर मेटामॉर्फोसिस होगा, ये सेकंड लार्वा में कन्वर्ट होगा, सेकंड लार्वा में कायंत्रण होगा, ये प्यूपा में कन्वर्ट होगा, प्यूपा में फिर कायंत्रण होगा, ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर अडल्ट एग है, लार्वा फर्स्ट, लार्वा सेकंड, फिर प्यूपा है, फिर अडल्ट। और इस तरह का जो एग्जांपल है ये न्यूरोप्टेरा में मेंटी स्पाइडी फैमिली के अंदर ये पाई जाती है, कॉलियोप्टेरा में कैरेबिडी के सदस्यों में ये परिघटना पाई जाती है, स्टेप्सिप्टेरा के लगभग सभी सदस्यों में ये परिघटना पाई जाती है, डिप्टेरा के अंदर बोम्बाइलिडी और टैकिनिडी के सदस्यों में ये फिनोमिनन पाई जाती है, और लेपिडोप्टेरा में ग्रेसियरिडी के सदस्यों में ये परिघटना पाई जाती है। तो इस तरह इंसेक्ट में पाई जाने वाला जो कायंत्रण है, मेटामॉर्फोसिस है, वो चार टाइप का हो गया है। इसके अंदर एमेटाबोला, मेटाबोला, होमोमेटाबोला और हाइपरमेटाबोला। एमेटाबोला में तो क्या होगा, अडल्ट है, अडल्ट से एगलिंग हुई, एग से इमेच्योर बने, इमेच्योर फिर अडल्ट में कन्वर्ट हो गए, और यहाँ पर कोई कायंत्रण नहीं होता है। इमेच्योर और अडल्ट के अंदर कोई डिमार्केशन नहीं है, केवल साइज का ही अंतर होता है। मेटाबोला की दो टाइप है, पोरोमेटाबोला और हेमीमेटाबोला। पोरोमेटाबोला को सामान्य कायंत्रण भी बोलते हैं। इसके अंदर अडल्ट से एग लिंग होगी, एग से निम्फ बनेंगे, निम्फ फिर लेटर निम्फ में कन्वर्ट होंगे, लेटर निम्फ फिर अडल्ट में कन्वर्ट होगा। इनकम्प्लीट के अंदर अडल्ट से एगलिंग होगी, अडल्ट से नियाड बनेंगे जो कि एक्वेटिक मेंबर्स हैं, ये लेटर नियाड में कन्वर्ट होते हैं, ये फिर अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। और होमोमेटाबोलस ये कंप्लीट टाइप का मेटामॉर्फोसिस है, इसके अंदर अडल्ट, अडल्ट से एग, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट। और हाइपर टाइप की जो कंडीशन है, इसके अंदर लार्वल स्टेजेस कई हो सकती है, इसको शॉर्ट में L1, L2, L3 इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अडल्ट से एगलिंग हुई, अंडे से L1 लार्वा बना, L1 लार्वा L2 में कन्वर्ट हुआ, L2 L3 में कन्वर्ट हुआ, L3 फिर प्यूपा में कन्वर्ट हुआ, है प्यूपा फिर अडल्ट में कन्वर्ट हुआ। अब इस तरह का जो डेवलपमेंट होगा उसके अंदर तीन फिनोमिनन जनरल इंसेक्ट में देखने को मिलते हैं, एक तो ग्रोथ, उसके बाद डिफरेंशिएशन, और उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ में तो क्या होगा कि प्रत्येक लार्वा पे क्यूटिकल का हार्ड आवरण है, और क्यूटिकल है वो एक तरह से एक बैरियर का काम करती है। तो जब तक लार्वा की पुरानी क्यूटिकल नहीं हटेगी, लार्वा के अंदर ग्रोथ नहीं होती है, और लार्वा से क्यूटिकल का जो हटना है इसको एक्डाइसिस या निर्मोचन के नाम से जाना जाता है। तो एक लार्वा की पुरानी क्यूटिकल हटेगी, अब पुरानी क्यूटिकल हटते ही लार्वा को ग्रोथ करने के लिए स्पेस मिल जाती है, इस लार्वा के अंदर नया प्रोटीन सिंथेसिस होता है, नई क्यूटिकल बनती है, लार्वा के अंदर ग्रोथ होती है। अब जो जो लार्वा में ग्रोथ होती है फिर नई क्यूटिकल है वो वापस पुरानी हो जाती है, पुरानी क्यूटिकल फिर उतरती है। तो ग्रोथ मोल्टिंग, ग्रोथ मोल्टिंग, ग्रोथ मोल्टिंग, ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा जब तक अडल्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है। और हर क्यूटिकल का जो कंपोजिशन है वो भी अलग अलग मिलेगा। आप जैसे लार्वा की इंटेगमेंट देखो, लार्वा की क्यूटिकल देखो, प्यूपा की क्यूटिकल देखो, अडल्ट की क्यूटिकल देखो, और सेक्सुअल मैच्योर होने के बाद में उसके आप क्यूटिकल देखो, हर क्यूटिकल की स्ट्रक्चर में हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस यदि आप देखो माइक्रोस्कोप में, तो ये क्लियर कट डिफरेंसेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और बायोकेमिकल एनालिसिस भी यदि किया जाए तो हर स्टेज के अंदर अलग अलग तरह के प्रोटीन जो होते हैं वो भी मिल सकते हैं, क्योंकि इन इंसेक्ट में जनरली पॉलीटिन टाइप के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जैसे देखने को मिलेंगे, बेंडिंग पैटर्न जो होता है, अलग अलग बैंड्स के जीन हैं वो एक्टिव होते हैं, वो जीन अपना प्रोटीन बनाते हैं, ये प्रोटीन इंटेगमेंट के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसलिए आप इनकी अलग अलग स्टेज के आप स्किन पे भी जैसे इनका हिस्टोलॉजिकल सेक्शन देखो, इनकी स्लाइड देखो, तो इसमें आपको बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये एक नेट सेल में आज का अपना व्याख्यान, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। और एक बार फिर संक्षेप में मैं ब्रीफ कर दूँ, लार्वा का अडल्ट में जो रूपांतरण है वो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, और निषेचित अंडे से जो एम्ब्रियो बाहर निकलते हैं, लार्वा या इमेच्योर स्टेज बाहर निकलती है, ये परिघटना हैचिंग कहलाती है।
लेकिन इंसेक्ट के संदर्भ में इसको एक्लोजन के नाम से जाना जाता है, और एक्लोजन की जो परिघटना है ये एमनियोटिक फ्लूइड के निगलने के द्वारा, हैचिंग स्पाइन के द्वारा, सर्वाइकल एम्पुले के द्वारा संपादित होती है। और अंडे से हैच होने के बाद में ये इमैच्योर स्टेज होती है, इनको लार्वा के नाम से भी जाना जाता है, नियाड के नाम से भी जाना जाता है, निम्फ के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग सिचुएशंस हैं। और ये कायंत्रण चार प्रकार का है, ए मेटाबोला, ए मीन्स एब्सेंट, इसमें कायंत्रण नहीं होगा। मेटाबोला इसकी भी दो टाइप है, जनरल मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। और तीसरी टाइप है होमो मेटाबोला, ये कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, इसमें अंडे एडल्ट से एग बनेंगे, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा। और हाइपर टाइप का जो होगा इसके अंदर लार्वल स्टेजेस कई होती है, अडल्ट से एगलिंग होगी, एग से फर्स्ट लार्वा, सेकंड लार्वा, प्यूपा, फिर अडल्ट। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। और मैं आशा करता हूँ ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा। फिर भी कोई किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप निसंकोच हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। और एक बार अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।